नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर सहित 8 भर्तियों से जुड़ी हाई कोर्ट से बड़ी अच्छी खबर। जल्दी देखो पूरी जानकारी। तो देखते हैं पूरी जानकारी, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं खबर आई है, नर्सिंग ऑफिसर सहित 8 भर्तियों के आवेदकों को हाईकोर्ट से राहत। 13 से 19 तक अपडेट करा सकेंगे आवेदन पत्र। जयपुर हाईकोर्ट ने साल 2023 की नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट व रेडियोग्राफ सहित 8 भर्तियों के उन आवेदकों को राहत दी है जिन्होंने पूर्व में 2022 में इन्हीं पदों की भर्ती में आवेदन किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से नई 2023 की भर्ती में उनके आवेदन पत्रों को पोर्टल पेंडिंग बता रहा था। ऐसे में हाईकोर्ट ने इन सभी आवेदकों को राहत देते हुए 13 से 19 सितंबर के दौरान अपने आवेदन पत्रों को अपडेट करने का समय दिया। तो आप देख सकते हैं एक बड़ी राहत दी गई हाईकोर्ट द्वारा। तो अब 13 से 19 सितंबर के दौरान जो आवेदन पत्रों में अपडेट करने का समय दिया, जस्टिस सुदेश बंसल ने निर्देश बुधवार को गिरिराज मीणावैन ने की 9 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस भर्ती से जुड़े आवेदकों को इस संबंध में अलग से याचिका दायर करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थियों ने याचिकाओं में कहा था कि उन्होंने नर्सिंग अफसर भर्ती 2022 के लिए पहले से आवेदन किया था, लेकिन वह भर्ती रद्द कर दी गई। राज्य सरकार ने नए सिरे से जारी इस भर्ती के आवेदकों की पुरानी फीस को समझित किया, लेकिन तकनीकी कारणों से उनके आवेदन पत्रों को भर्ती पोर्टल पर पेंडिंग बताया जा रहा है। इसके जवाब में AIG डॉक्टर विभूति भूषण शर्मा ने कहा है कि फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन सहित 8 भर्तियों में से ऐसी समस्या सामने आई है, इसलिए ऐसे आवेदकों को उनके आवेदन पत्रों में संशोधन के लिए राज्य सरकार एक और मौका देगी। तो ये अपडेट थी जो आपके सामने शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।